खमा गणी नमस्कार हेलो हाय दिस इज़ माय मेकअप ट्यूटोरियल इजी वे में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो so फर्स्ट आप अपना फेस पूरा क्लीन करें उसके बाद ही मेकअप करें फर्स्ट यूज़ करना है आपको प्राइमर प्राइमर आप जेल लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है जेल जो प्राइमर होते हैं वो हमारे और प्राइमर आपको एकदम ज़्यादा नहीं लेना है लाइटली ही लेना है उसको अच्छे से स्प्रेड आउट करना है और स्प्रेड आउट के बाद आप शेप uh, कर सकते हैं अपने फेस को जैसे नोज है या जो लाइंस हैं बिकॉज इसके बाद जो आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो अपने फेस को रब नहीं कर सकते आप तब शेप नहीं दे सकते आप इनिशियल स्टेज पे ही अपने फेस को आप शेप कर दीजिए अच्छा प्राइमर के बाद हम लोग लेंगे करेक्टर करेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ कहीं पर टेनिंग है हमारे फेस पर या डार्क सर्कल है तो इवन टोन के लिए हम करेक्टर यूज़ करते हैं मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ इस करेक्टर के बाद मैं इसको फिंगर से ही स्प्रेड करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर। फर्स्ट मैं फिंगर का यूज़ करती हूँ उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं एक बार फिंगर से सब सेटअप कर लूँ उसके बाद मैं ब्लेंडर यूज़ करूँ सो so, अच्छे से ब्लैंड करने के बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर सो so, मैं यहाँ पे दो टाइम यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फर्स्ट में यूज कर रही हूँ लिक्विड कंसीलर जो कि मेरे पूरे फेस को फिर इवन कर देगा और करेक्टर को भी हाइड आउट कर देगा ऐसा रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज तो नहीं दिख सकता ना मेरा फेस सो so, यहाँ पे मैं कंसीलर को लिक्विड कंसीलर लिया है इसको मैं फिंगर से ही एक बार डब 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 करके आफ्टर दैट मैं इसको अच्छे से ब्लैंड कर दूंगी इसको ब्लैंड करने के बाद मैं एक बार यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रीमी मेट कंसीलर जो मेरी स्किन के साथ थोड़ा अच्छा रहता है उससे मेरा पूरा जो फेस है उसमें इवन टोन अच्छे से आ जाती है सो so कंसीलर का मेन यूज़ यही है कि हम कंसीलर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि फाउंडेशन के लिए हमारा फेस रेडी हो जाए डायरेक्ट आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है ओके okay? यहाँ पे मैंने मेट uh, जो कंसीलर है वो यूज़ किया है और उससे मैं थोड़ा uh, जो हमारा टोन uh, है फेस का उसको करेक्ट कर दूँगी यहाँ पे नाउ मैं यूज कर रही हूँ शिमर इससे जो ग्लो है मेरे स्किन का यू नो आप जो हाईलाइटर कर रहे हो फेस को उस इससे मुझे काफ़ी अच्छा हाईलाइट कवरेज मिलेगा फुल फेस पे उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन तो इसको एक बार मैंने पूरा अच्छे से यूज़ कर लिया है और फिंगर से ही मैंने इसको पूरा स्प्रेड आउट कर लिया है अगर मुझे नीड है तो मैं यहाँ ब्लेंडर यूज़ करूँगी अदरवाइज़ नहीं आफ्टर दैट मैंने लिक्विड फाउंडेशन लिया उसमें मैंने थोड़ा सा डिप रेड लिपस्टिक लिया है बिकॉज वो रेड लिपस्टिक उसके साथ मिक्स होके एक परफेक्ट जो शेड बनता है ना फाउंडेशन का वो मेरी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा आप देख लीजिए अगर आपके पास परफेक्ट शेड ऑलरेडी है तो आपको कोई रेड लिपस्टिक उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सो so, मैंने इसको फिंगर से ही काफ़ी अच्छे से स्प्रेड आउट कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फाइन उसको ब्लेंड करूंगी यहाँ पे मैं ब्लेंडर बहुत ही अच्छा यूज़ करूंगी ताकि काफ़ी अच्छे से डिप डिप करके वो ब्लैंड हो जाए और यू नो स्किन से निकल के जा रहा हो ऐसा ना लगे पूरा स्किन के साथ वो टच हो जाए और जब आप आफ्टर मेकअप भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपका मेकअप चिपक चिपके ना आए नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो शेपर मीस अच्छे से आईब्रो को अप उठा के पूरा आईब्रो को शेप दे रही हूँ उसके बाद मैं आईब्रो फिल करूंगी और आफ्टर दैट मैं फाइनल एक शेप और आईब्रो को दूंगी सो so, एक बार मैं सिर्फ एक आँख का करके बता रही हूँ तो आपको काफ़ी जो उसका डिफरेंस है वो पता चल जाएगा नाउ अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ ब्राउन कलर लेना है आपको नॉट डार्केस्ट शेड सिर्फ लाइट uh, ब्राउन से थोड़ा सा जो डार्क शेड हो ब्राउन का वो यूज़ करें उसको मैंने अच्छे से फील किया है आईब्रो फिलिंग पेंसिल आल्सो अवेलेबल आप उन्हें यूज़ कर सकते हो बट मैं आई शेडो से ही फ़िल कर लेती हूँ समटाइम्स आई लाइक दिस सो सबसे पहले मैं आई शेडो स्टार्ट करने से पहले बेस के लिए एकदम जो लाइट ब्राउन कलर है वो यूज़ करूँगी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा डार्क शेड ऑफ ब्राउन ये मैं स्मोकी आई का जो प्रोसेस है उसके लिए फॉलो करती हूँ फिर से रिपीट कर रही हूँ लाइट ब्राउन करना है आपको बॉर्डर्स पे, फिर उसके ऊपर आपको डार्क ब्राउन करना है और जो आपका मेन मीडियम पार्ट है उसमें आपको ब्लैक कलर करना है सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है अंडर आई के लिए भी यहाँ पे भी मैंने लाइट ब्राउन यूज़ किया है फिर डार्क ब्राउन यूज़ किया है नाउ मैं ब्लैक आई शेडो फील कर रही हूँ जो मेरा बीच का पार्ट है मीडियम पार्ट है जहाँ मेरा स्मोकी आई इसका लुक आएगा तो ये जो ब्लैक आई शेडो है उसको फिल करने के बाद मेरे पास एक मेट आई शेडो पेंसिल है वो मैं यूज़ करूंगी उससे बिल्कुल एकदम ब्लैक जो मैट कलर है वो शो होगा फर्स्ट में एज जो लाइनर है काजल है उसके जैसे ही इसको लगा दूँगी उसके बाद ब्रश इसको स्लोली स्लोली स्मूथली अच्छे से स्प्रेड करना है कि वो पूरा आई पे शो हो जाए आप देख पा रहे हो कि मैं इसको काजल के जैसे ही अपर साइड पे लगा रही हूँ और आफ्टर दैट मैं इसको ब्रश से अच्छे से ब्लैंड ब्लैंड करके उसको पूरा ब्रश करके और वो जो इससे जो ब्लैक कलर दिखेगा वहाँ आपका ब्लैक लुक आएगा बिकॉज बहुत टाइम हम ब्लैक आई शेडो यूज़ करते फिर भी हमारी आइज़ तो बहुत लाइट दिख रही होती है और हम वीडियोज़ में देखते हैं तो काफ़ी एकदम से मैट ब्लैक बनती है उसके लिए हम प्रोडक्ट ही वैसे ही यूज़ करते हैं मैट ब्लैक प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको वो मैट लुक आएगा नाउ आई एम यूजिंग आई लाइनर आई लाइनर में यहाँ पे कोई भी ब्रांड सजेशन नहीं दे रही हूँ जो आपकी इच्छाएं आप लगा सकते हो मेक श्योर कि आप आई लाइनर को बहुत आराम से लगाएं बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत जल्दी लगा लेती हैं उनका वो जो परफेक्शन है बट पर अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप आराम से लगाइए टेक योर टाइम अब पूरा एंड तक फील करके फिर जो आगे का कॉर्नर है जहाँ से आपको पीछे की विंग निकालनी है आगे भी आपके आईज को लंबा दिखाना है तो आपके आगे की तरफ भी आप विंग बना सकते हो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैक विंग्स बना रही हूँ और उसके बाद में आगे से भी इसको थोड़ा सा निकाल के एक पॉइंट बनाऊंगी अगर आप इस पर डीप वीडियो चाहते हो देन डू कमेंट मी तो मैं पूरा सिर्फ आइज के लाइनर का ही आपको डीप वीडियो डिस्क्राइब कर दूँगी नाउ मुझे पसंद है आई को नीचे भी लगाना तो थोड़ा नीचे भी लगा रही हूँ एकदम पतला सा यहाँ पे कोई काजल की जरूरत नहीं है मुझे और अगर आप चाहते हो कि नीचे भी आपकी आईज अच्छे से दिखे तो आप काजल के बाद आई लगा सकते हो तो काजल भी स्प्रेड नहीं होगा ना आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आँखों का सेम मैंने दोनों आँखों पे अब कर दिया है ना अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर वो मैं फिनिशिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ मेक श्योर sure कि आप फेस पाउडर आइज़ का जो मेकअप है उसके करने के बाद लगाओ हो सकता है आप आइज का जो आई शेडो लगा रहे हो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है आप इतना जो ब्रशेस है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हो जो आई के अंडर आई के लिए जो पफ आते हैं वो यूज़ नहीं कर पा रहे हो जो आपके पास सामान कम है तो इन इन सामानों में आपको बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ अगर आप हैवी आई मेकअप कर रहे हो या स्मोकी आईज बना रहे हो तो मेक श्योर sure कि आप नीचे लाल लिपस्टिक ना लगा दो आपको लाइटर शेड ही लगाना है लाइटर शेड हर लिपस्टिक में जा सकता है आप लाइट पर्पल ले लो लाइट ऑरेंज ले लो लाइट पिंक ले लो लाइट ब्राउन ले लो लाइट रेड ले लो सारा लाइट शेड में जाना थोड़ा नूट जो शेड है वो आना चाहिए आपका मैं सेम ये जो मेरी लिपस्टिक है उसी से ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी पसंद है और ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना इससे हम ब्लश एज अ ब्लश यूज़ कर सकते Thank you for watching. Like, share, and comment, and subscribe for more videos. And comment your query. Thank you.